नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे दिव्य बंदर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो कोई ऐसा वैसा साधारण वानर नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है और विशेष कृपा का पात्र भी है। दोस्तों इस वानर की सबसे खास बात यह है कि ये वानर सुबह हनुमान जी की पूजा करता है और रात के समय हनुमान मंदिर की रखवाली करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के बजरंगगढ़ मंदिर के बारे में, जहां पुजारी नहीं बल्कि एक बंदर करता है हनुमान जी की पूजा। हनुमान भक्तों की आस्था के प्रतीक अजमेर के बजरंगगढ़ मंदिर में पिछले 7 साल से रामू नाम का एक बंदर प्रभु की भक्ति कर रहा है। रात में वह इस मंदिर की पहरेदारी भी करता है। उसमें कई ऐसी खास विशेषताएं हैं जो आम बंदरों में देखने में नहीं मिलती है। रामू मंदिर में ही रहता है, खाना पीना और सोता भी यही है। रामू अपने माथे पर एक सच्चे भक्त की तरह बालाजी का टीका भी लगाता है और अपने पैर धुलवाता है, साथ ही हनुमान भक्तों को आशीर्वाद भी देता है। रामू मंदिर में रखे घंटे झालर भी बजाता है, साथ ही बालाजी के दर पर आए भक्तजनों को आरती और हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान मंदिर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाता है। यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ वो कई बार भजन और आरती पर नृत्य भी करता है। रामू बंदर बजरंगगढ़ मंदिर के चौकीदार ओंकार सिंह के बेहद करीब है। मनुष्य और जानवर के बीच का खूबसूरत रिश्ता इन दिनों काफी देखने को मिलता है। ओंकार सिंह बताते हैं कि रामू 7 वर्ष पूर्व श्राद्ध के दौरान किसी मदारी से छूटकर यहां आया था। रामू जब आया तब बीमार था, लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, मगर ओंकार ने उसकी सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओंकार और रामू का रिश्ता गहरा होता गया। ओंकार ने धीरे धीरे रामू को उछलना कूदना, रोटी खाना, पेड़ों पर चढ़ना, खुद पानी पीना इत्यादि चीजें सिखाई। वही मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रामू के कदम मंदिर के लिए शुभ है। वह साक्षात बालाजी के रूप में मंदिर की रक्षा करता है। जब से रामू आया है तब से मंदिर से जुड़े कई लोगों को विभिन्न तरह के लाभ भी हुए हैं। ओंकार ने बताया कि कुछ समय पूर्व मंदिर में आई एक महिला भक्त की सोने की बाली खो गई थी। उसको लेकर वह बेहद परेशान थी और उसी समय रामू ने बाली ढूंढकर ओंकार को बताई। ओंकार ने रामू के बताए संकेतों के आधार पर बाली ढूंढकर उस महिला भक्त को वापस सुरक्षित लौटा दी। जीवों पर आसपास के माहौल और मानवीय व्यवहार का असर पड़ता है। वे परस्पर व्यवहार के प्रति बहुत ही संवेदनशील और सतर्क रहते हैं। यदि मानवीय व्यवहार आक्रामक अथवा मित्रता वाला होगा तो वह तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करेंगे। बजरंगगढ़ के रहने वाले वानर पर भी आसपास के माहौल का असर साफ दिखता है। दोस्तों कभी भविष्य में आपको बजरंगगढ़ जाना पड़े मंदिर के दर्शन के लिए तो वहां आप रामू से अवश्य मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।